नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की दूसरी इकाई का पाठ 9वां मुझे पहचानो पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में हम आकारों के बारे में समझेंगे। दैनंदिन जीवन में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके आकारों पे और उन आकारों के नामों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो चलिए इस पाठ में पढ़ते हैं आकारों के बारे में। अभी आप फलक का चित्र देख रहे हैं। इस फलक का आकार आयताकार है। दूसरा चित्र है लिफाफे का। लिफाफे का आकार भी आयताकार होता है। हम सभी कंपास बॉक्स यूज़ करते हैं। कंपास बॉक्स का आकार भी आयताकार होता है। कैसा होता है आयताकार आकार, यह आप इस आकृति में देख सकते हैं। आयताकार आकार की चीज़ों की सामने वाली भुजाओं की लंबाई एक समान होती है। अभी आप एक घड़ी का चित्र देख रहे हैं। इसका आकार वर्गाकार है। दूसरा चित्र है फोटो की एक फ्रेम का। इसका भी आकार वर्गाकार है। आप सभी कैरम तो खेलते ही होंगे। कैरम बोर्ड का आकार भी वर्गाकार होता है। अभी आप वर्गाकार आकार की आकृति देख सकते हैं। वर्गाकार आकार की चीज़ों की सारी भुजाओं की लंबाई एक समान होती है। चित्र में दिख रही सारी चीज़ों की सारी भुजाओं की लंबाई एक जैसी है। चलिए अगला आकार देखते हैं। चित्र में आप साइकिल का एक पहिया देख सकते हैं। उसका आकार वृत्ताकार है। चूड़ियों का आकार भी वृत्ताकार होता है। रोटी का आकार भी वृत्ताकार होता है। क्या होता है वृत्ताकार? यह आकार 1 रुपये के सिक्के की तरह गोल होता है। वृत्ताकार आकार की आकृति आप देख सकते हैं। अगला आकार है लड्डू के आकार का। लड्डू कैसा होता है? गोलाकार। फुटबॉल भी गोलाकार आकार का होता है। चांद भी गोलाकार आकार का है। आप गोलाकार आकार की आकृति वीडियो में देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और आकारों के बारे में जानेंगे।